ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, आपो शीतल होए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मातृभाषा के बारे में। आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं, जानते हैं मातृभाषा के बारे में। दोस्तों, मातृभाषा एक यौगिक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मातृ और भाषा। मातृ का अर्थ होता है माँ और भाषा यानी भाषा, अर्थात जिस भाषा को हमारी माँ बोलती है, जिस भाषा को हमने अपनी माँ से सीखा है उसे मातृभाषा कहा जाता है। दोस्तों, मातृभाषा मात्र एक भाषा नहीं है, संस्कार इसमें संस्कृति एवं सम्मान की भाषा है। माँ से हम केवल मातृभाषा को ही नहीं सीखते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति से भी रूबरू होते हैं, बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। दोस्तों, मातृभाषा के दम पर ही हम अपना और अपने समाज का समुचित सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए मातृभाषा को मन से अपनाना होगा, मन से आत्मसात करना होगा। मातृभाषा को बोलने में किसी भी तरह की संकोच या झिझक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मातृभाषा के दम पर हम दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने और अपने समाज के कल्याण एवं समुचित विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा को अपनाना, व्यवहार में लाना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या खूब लिखा था, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कसूर, मिटे नहीं है कसूर। इसलिए दोस्तों, हमें मातृभाषा को समुचित रूप से मन से आप साथ करना होगा, स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा। मातृभाषा दिवस की असीम अनंत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।